सत सत नमन मेरे भारत माता के अमर जवानों, आज इन अमर जवानों की शहादत के लिए शब्द नहीं है, आंखें नम है। जो दुश्मनों ने ये अचानक हमारे जवानों पे हमला बोला है, उसका हमें रिप्लाई चाहिए। और मैं प्रणाम करता हूँ परिजनों, परिवारों को जिनने भारत माता के लिए ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। वो अपना मनोबल ना खोए, बल्कि अपने आप को मजबूत बनाए। वो शहीद नहीं हुए हैं, भारत माता की रक्षा के लिए अमर हो गए हैं। उनका नाम इतिहास के, इंडिया के हिस्ट्री में एक अमर ज्योति तरह अमर रहेगा। आज पूरा भारत इस आतंकी हमले से पूरे गम में है, नम में है। और कुछ क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या इसका जवाब दिया जाए। मेरा और पूरे भारत का आज यही संकल्प है। आज हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं, उनके बदले हमें 100-200 आतंकियों के सिर नहीं चाहिए, ना ही हमें खून का बदला खून चाहिए। आज हम भारत सरकार, मोदी जी से, राजनाथ जी से, अजीत डोभाल जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, पूरा भारत जिन्होंने अपनी भारत माता के लिए अपना बलिदान दे दिया, अमर हो गए भारत माता की ज्योति में सदा के लिए अमर हो गए। आज हम ये चाहते हैं कि हमें ना सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, ना कश्मीर चाहिए, आज हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए। इस वर्ल्ड के नक्शे से इस भैनचोद चूतिए पाकिस्तान को हमने मिटाना है। आज हमारे पूरे भारतीयों की ये सरकार से अरदास है, आज हम पूरे एक साथ हैं। जिन कायरों ने पीठ के पीछे वार किया है ना, वो उसका हमें रिवेंज चाहिए। हो सके तो हम अपना बलिदान देंगे उन निहत्थे अनजान हमारे जवानों पर अटैक किया है, उसका हमें, हम शांत नहीं बैठेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, ना ही कश्मीर चाहिए, हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए। जो इस आने वाले टाइम में पाकिस्तान का नाम नहीं नक्शे में, जो तबाही जापान के हिरोशिमा में हुई थी, वो तबाही चाहिए हमें। हमारे जवानों का रक्त व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आने वाले 100 सालों तक ऐसी कोई कोख पैदा ना हो जहाँ से ये पाकिस्तानी आतंकी कुत्ते साले जन्म लेते हैं। उनका एक ही मकसद है, हम यहाँ अमन शांति की बात करते हैं और साले ये चूतिए हर जगह आतंकी फैला रहे हैं। हमारी भारत की, भारत के लोगों की आज यही आंसू नम है। मैं कुछ बोल नहीं सकता, यही अरदास है। इस्लाम एक कैंसर है, इस कैंसर को जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बहन चूल काटता रहेगा। इसका एक ही इलाज है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। हद होती है, बार बार अटैक कर रहे हैं। यूरी अटैक 2001 2004 और अभी देखो सबसे बड़ा हमला बेकसूर जवानों को। इनका मकसद ही यही है, आतंक फैलाना। और हमें अब इन्हें जवाब हमले से नहीं देना है, इसका जवाब चाहिए हमें। पूरा पाकिस्तान ख़त्म करना है, नामो निशान मिटाना है, क्योंकि ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं है। ये ऐसा एक बीज है जो हर बार ऐसे आतंकियों को जन्म देगा, तो इस बीज को ही हमने जड़ से ख़त्म करना है। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही बोलूँगा।
हम भारतीय आज यही गुजारिश करते हैं उन अमर जवानों को, वो अमर रहे, परमात्मा उनको अमर दे, गुरु रक्षा, भारत माता की रक्षा के लिए दोबारा फिर भारत माता के कोख में जन्म दे, और उनके परिजनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज पूरा भारत उनके साथ है, अपने आप को कमजोर न समझे, उन्होंने वीर जवानों को जन्म दिया था, और आज वो भारत माता की दिव्य ज्योति के समागम है। सो एक बार फिर से मेरा सत सत नमन उन वीर जवानों को, भारत माता की जय।